So, अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। इसका नाम है डिपॉजिटरी एंड डीमटेरियलाइजेशन। नाउ गाइस, स्टार्ट करने से पहले कुछ बात है, व्हाट इज डिपॉजिटरी। तो गाइस, डिपॉजिटरी क्या होता है? सबसे पहला आपको याद रखना है गाइस, अगर आप अपने शेयर को ऑनलाइन फॉर्म में ट्रेड करते हो, तो जहां पे आप अपने शेयर को ऑनलाइन फॉर्म में रखा है उस जगह का नाम होता है डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी इज अ प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी ऑनलाइन शेयर में आपने जहां पे अपने शेयर को रखा है वो होता है डिपॉजिटरी। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, डिपॉजिटरी इज सिमिलर टू बैंक। ऐसा कैसे? क्योंकि बैंक ट्रांसफर करता है मनी विदाउट होल्डिंग इट, और डिपॉजिटरी ट्रांसफर करता है शेयर्स विदाउट होल्डिंग इट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको शॉर्ट में डीपी बोला जाता है। अब बॉयज एंड गर्ल्स, जो डिपॉजिटरी है वो सोचता है कि मैं कितना ध्यान रखूं, मेरे बाद भी तो कोई होना चाहिए। तो एक मिडिल मैन टाइप काम करता है ये डीपी, जिसको अपन बोलते हैं डीपी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपॉजिटरी। यानी डीपी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिपॉजिटरी को। ये दो लोगों को मिलाता है, एक इन्वेस्टर है और एक डिपॉजिटरी है, इन दोनों के बीच में एज ए लिंक का काम करता है। तो गाइस, सेकंड पॉइंट है, डीपी इज द लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। इंडिया में दो डीपी है, पहले डीपी का नाम है एनएसडीएल, एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड दूसरा है सीडीएसएल, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट बेनिफिशियल ओनर। गाइस, जो भी पर्सन डीमैट अकाउंट ओपन करता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट होल्डर, लेकिन एसपी में बोला जाता है बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर इज अ पर्सन ऑन हूज नेम द डीमैट अकाउंट इज ओपन, द डीमैट अकाउंट इज ओपन। अपना नेक्स्ट पॉइंट है डीमटेरियलाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीमैट। अभी आप लोग सोचते होंगे कि डीमैट तो एक अकाउंट है, गाइस एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन, मतलब अगर आप अपने फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रॉनिक शेयर में, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो आपको याद रखना है, डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, डीमैट का अपोजिट होता है रीमटेरियलाइजेशन। तो गाइस, डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है रीमैट। अगर डीमैट आपके पेपर वाले शेयर को इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट करता है, तो रीमैट आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर को पेपर में कन्वर्ट करता है, इसको अपन बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। अपना नेक्स्ट पॉइंट है फंगिबिलिटी। ये कुछ नया वर्ड है गाइस, मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप लोगों ने पेपर वाले शेयर रखे, यानी फिजिकल शेयर्स रखे, तो उसमें नंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। लेकिन ऑनलाइन शेयर में, डीमैट अकाउंट में कोई नंबर नहीं होता, इसके लिए अपन उसको बोलते हैं फंगिबिलिटी। तो गाइस, ये मैच द पेयर में आता है बोर्ड एग्जाम में, फंगिबिलिटी आएगा तो उसके सामने आपको करना है शेयर्स डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर इन डीमैट अकाउंट। अपना नेक्स्ट पॉइंट है इश्यूअर कंपनी। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, तो मेरा नाम हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर और रिलायंस का नाम होगा इश्यूअर कंपनी। यानी ऐसा कोई भी कंपनी जो शेयर्स इशू करता है उसको हम लोग बोलते हैं इश्यूअर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली वेटेज क्वेश्चन चैप्टर 6 का, जिसका नाम है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। यानी बॉयज एंड गर्ल्स, कि डिपॉजिटरी सिस्टम का इंडिया में जरूरत क्या है और क्यों है। तो इन शॉर्ट, इसमें ना हम लोगों को ऑनलाइन शेयर रखने के सारे एडवांटेज लिखने पड़ेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो अपना पॉइंट आएगा इसमें गाइज, सबसे पहला, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो डिपॉजिटरी सिस्टम ना सारे डेवलपिंग कंट्री में एग्जिस्ट करता है। और गाइज, डिपॉजिटरी सिस्टम का जरूरत और बढ़ गया, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था, इट्स कॉल्ड कन्वेंशनल सिस्टम, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेजेस, दैट इज द ओनली रीजन डिपॉजिटरी का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। अच्छा, अगर आप पेपर वाले शेयर ट्रांसफर करते हो, पेपर के शेयर जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, तो गाइस इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में जैसे ही आपने सामने वाले का अकाउंट नंबर डाल दिए और गाइस उसके बाद एंटर किया, नाम पेस्ट किया, और हमारे शेयर उसके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर थोड़ा फास्ट है एज कंपेयर टू फिजिकल ट्रांसफर। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में कोई स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता नहीं है। लेट अस टेक एग्जांपल कि मैंने 1000 रुपीस किसी को ट्रांसफर किया, गाइस मेरे अकाउंट से 1000 ही कटता है और उसके अकाउंट में 1000 ही क्रेडिट होता है। नो स्टैंप ड्यूटी इज टू बी पेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो आपके बोनस शेयर है, डिविडेंड
इन्वेस्टमेंट है, ये सारे आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होने वाले हैं, आपको कहीं पे भी कंपनी में जाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, नो लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बिकॉज इट्स स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इफ यू बाय शेयर यू बिकम शेयर होल्डर, एंड गाइस शेयर होल्डर्स को एविडेंस के लिए मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, और अगर पेपर वाले फॉर्म में होता है तो गाइस शेयर सर्टिफिकेट घूमने का चांसेस होता है, फट जाने का चांस होता है। लेकिन गाइस ऑनलाइन शेयर में जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव होते हैं, तो इसीलिए ऑनलाइन में नो चांस ऑफ फॉरगेरी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट इन डीमैट अकाउंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डीमैट रिड्यूस पेपर वर्क। ये जो चीज है ये ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन में पूछा जाता है। डीमैट रिड्यूस पेपर वर्क यानी डीमैट अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके पेपर के काम जो है वो कम हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है और एग्जाम में हाईली वेटेज क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा डीमैट इज ईजी एंड सिंपल टू ऑपरेट। अगर आप अपना स्मार्टफोन ऑपरेट कर सकता है गाइस तो डीमैट अकाउंट भी ऑपरेट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज बेनिफिशियल ओनर कैन ऑपरेट डीमैट अकाउंट एनी टाइम एनीवेयर। गाइस आप कहीं भी और कभी भी अपने डीमैट अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये था अपना चैप्टर 6। थैंक यू सो मच।